तो गाइस फाइनली आ चुका है ऋतिक रोशन का लुक, वो भी शेट से, और खतरनाक लुक है भाई, मजा आ गया देखकर। तो आपको मैं दिखाऊंगा लुक, सभी ने देख लिया होगा वो लुक, फिर भी बात करते हैं लुक के बारे में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वेल हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मूवी वाला। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइज आप लोग फोटो देख सकते हो स्क्रीन पर, काफ़ी डेंजर लुक है और बियर्ड में काफ़ी हैंडसम लग रहे हैं। ऊपर से एक्शन सीन शूट हो रहा है ऐसा लग रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कट है ऋतिक रोशन के फेस पे। और कहाँ गए वो लोग जो कि बोल रहे थे कि फेस स्वाइप का टेक्नोलॉजी यूज होगा और ऋतिक रोशन रियल लोकेशन पे शूट नहीं करेंगे? कहाँ गए भाई वो लोग? कल के दिन बॉलीवुड हंगामे ने बहुत नेगेटिविटी किया था ऋतिक रोशन को लेकर और वॉर मूवी को लेकर। बॉलीवुड हंगामा के द्वारा उनका कहना था कि फेस स्वाइप का टेक्नोलॉजी यूज होगा वॉर 2 में और बहुत ज़्यादा VFX रहेगा। तो भाई फोटो में देख लो ऋतिक रोशन ही है, कोई दूसरा एक्टर नहीं है जिसके फेस पे ऋतिक रोशन का फेस लगाकर VFX के थ्रू शूटिंग कर लिया जाए, ऐसा नहीं है भाई। ये ऋतिक रोशन का फिल्म है, ऋतिक रोशन अपना शूट खुद करते हैं। माना कि थोड़ा बहुत बॉडी डबल का इस्तेमाल होता है लेकिन ज़्यादा नहीं, और आप फोटो में आप खुद देख सकते हो। ये तो भाई फोटो एकदम रियल है और ऋतिक रोशन ही है शूटिंग करते हुए। भाई वॉर 2 बहुत ही बड़ा फिल्म रहेगा और फिल्म में एक्शन भी भरपूर रहेगा, जिसका अंदाजा आप फोटो से लगा सकते हो। फिलहाल मुझे तो लुक काफ़ी पसंद आया बियर्ड वाला, आपको कैसा लगा लिखकर जरूर बताना। और बॉलीवुड हंगामा के लिए कुछ लिखना चाहोगे तो लिख देना, कॉमेंट बॉक्स खुला है। फिलहाल आज के दिन मैंने अपडेट भी दिया है, तो अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देख। आपको कैसा लगा लुक लिखकर जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।